हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैंने जैसा कि बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि हमारा खागा फार्मेसी डॉट कॉम ब्लॉगिंग साइट लॉन्च हो चुका है। आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा, तो जाकर के ज़रूर देखिएगा और अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिए कि क्या आपको मतलब वहाँ से सीखने को मिला, क्या इन्फॉर्मेशन मिली। बाकी आप कमेंट में अपनी नई क्वेरीज भी डाल सकते हैं, तो हम उसके ऊपर भी आर्टिकल आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी आने वाले समय में हम हमारे जो मेन चैनल की वीडियोज़ हैं उसके जितने भी वीडियोस होते हैं उनके रिटन फॉर्म में आर्टिकल भी हम प्रोवाइड करेंगे, तो उस वेबसाइट पे आपको सारे आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम इस पेशेंट को अभी जैसे हमने एम्पॉक्सिन 500 mg दिया था, इसे ही हम ट्राइन्यूरोसॉल एच या फिर बिटोल का इंजेक्शन भी लगाने वाले हैं कमर में। तो हम इसे 1.5 ml मीज़र किए हमने, तो उतना है हम देंगे और क्या सही जगह होती, क्या सही लोकेशन होती है, और इस इंजेक्शन को हम हिप में देने वाले हैं, तो सारी चीज़ें हम वीडियो में आगे देख सकते हैं आप लोग, बाकी क्लिप्स में भी आपको दिख रहा होगा। तो इसे हम 1.5 ml देने वाले हैं। इसके लिए हमने नई सिरिंज यूज़ की, कॉटन स्वैब यूज़ कर रहे हैं, और पेशेंट कंफर्टेबल नहीं था तो हमने इसे लिटा दिया है पेशेंट, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होते। बाकी इसका सही तरीका है कि इसे हमेशा खड़ा करके ही पेशेंट को, मरीज को लगाना चाहिए। बाकी चलिए वीडियो देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे सही तरीके से कमर में हिप में इंजेक्शन दिया जाता है। कौन सा इंजेक्शन लगाना? जो दिन मान लो हमने रही ना, अरे हम तो रहे कर, हम कहाँ जाते। ले जा, ढील कर ले थोड़ा कमर। कल एक ही ला, कल तो लाग नहीं है तुम्हारे कमर में, एक ही लगाओ ना, ना लेटी रहो। माँ सब झुरा गई हो एकदम, सब हड्डी हड्डी है। इधर वाला दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। मल लो हल्का सा हल्के हल्के। अच्छा ठीक।